नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, टाटा स्टील की Q2 के नंबर आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर? स्टील इंडस्ट्रीज के इस बार रिजल्ट की बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट की संभावना है, तो देखना ये होगा टाटा स्टील क्या इस संभावना को पलट के रख देती है। तो विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ग्रॉस सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे, करोड़ में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। 31,860 करोड़ रुपीज़ का आप कह सकते हैं ग्रॉस रेवेन्यू आया है, जो पिछले क्वार्टर में 31,686 करोड़ था और एक साल पहले 32,382 करोड़ था। बात करें अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की, तो ये इस बार 384.16 करोड़ आया, जो पिछले क्वार्टर में 334.54 करोड़ रहा है, जो एक क्वार्टर पहले 304.60 था। और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा वो 32,244 करोड़ रहेगा, जो पिछले क्वार्टर में 32,021 करोड़ था। ठीक है, और अब प्लस जब हम अदर इनकम को जोड़ लेंगे तो 1,017 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 735 करोड़ थी और एक साल पहले ये 382 करोड़ थी। और जब हम सबको मिला लेंगे जो टोटल इनकम आई है वो है 33,262 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 32,756 करोड़ था और एक साल पहले 33,068 करोड़ था। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें बढ़ोतरी है, और मैं आपको बता दूं जो एक साल पहले से भी ज़्यादा का इसमें रेवेन्यू आया है, मतलब ये दोस्तों कि जिस तरह से प्रेशर की उम्मीद थी, जिस तरह से खराब रिजल्ट की उम्मीद थी, टाटा स्टील ने जस्ट उसका उल्टा मुझे लगता है धता बताते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देखते ये हैं क्या पूरा पूरा जो खर्चे हैं वो खा गया है पूरी पूरी टॉप लाइन को। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 14,994 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 15,391 करोड़ था और एक साल पहले 7,623 करोड़ था। यानी कि जो टोटल दोस्तों, जो आप कह सकते हैं जो खर्चा हुआ है, ठीक है, जो टोटल खर्चा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, ये कम हुआ है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जब आपका धंधा ज्यादा हुआ उसके बावजूद आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई है? चेंज इन इन्वेंटरीज में ऑफ फिनिश सेमी कंडक्टर, जो चेंज इन्वेंटरीज ने सब चीज को खत्म कर दिया दोस्तों। 4,562 रुपये का चेंज इन्वेंटरी था जो पॉजिटिव था, वो घट करके निगेटिव 1,500 के आकर 1,500 करोड़ के आसपास आ चुका है। यानी सीधा सीधा 5,550 करोड़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो भी आपका नॉर्मल रहा है, लेकिन ये जो एक चीज़ है, ये तमाम चीज़ों को मिला लेंगे तो टोटल खर्चों में 29,708 करोड़ आया, जो पिछले क्वार्टर में 24,519 था और एक साल पहले 21,338 करोड़ था। अगर इन्वेंट्री प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों तो आपको एक काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिलते, और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे नंबर हैं। बल्कि इस प्रकार से जब बाजार इतना नेगेटिव था, स्टील इंडस्ट्री को लेकर के इतना ज़्यादा डरा हुआ था, उसके सामने कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन हाँ, आपका जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है वो बिल्कुल घटा होगा, और जो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आया है वो देखिए तो आप पाएंगे कि 3,535 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 8,000 करोड़ से भी ज्यादा था दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब हम नेट इनकम देखेंगे कि भाई नेट इनकम और लॉस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, माफ कीजिएगा इसको थोड़ा ठीक कर दूं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये आया है कितना दोस्तों, वो आया है 2,728 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,117 करोड़ था। यानी आप देखेंगे तो ये भले ही गिरावट तो है, लेकिन जिस तरह के नंबर्स ने पेश किए ये काफ़ी काफ़ी कह लीजिए काबिले तारीफ है दोस्तों। और मुझे लगता है कि रिजल्ट कोई ख़राब नहीं है, भले ही आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से स्थिति स्टील सेक्टर की, उसके सामने तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। हाँ, EPS में साफ गिरावट होगी, 5 रुपये से घट करके 2.17 हो गई है, लेकिन ये होना ही था दोस्तों। और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है गिरावट ना हो, गिरावट शायद हो, लेकिन अब मैं जिस तरह से ह्यूज सेल ऑफ सोच रहे थे वो तो ये स्टॉक में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।